दोस्तों महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। पांचों पांडवों ने अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था, जैसे अर्जुन से सुभद्रा का, भीम ने हिडिम्बा से, परंतु सभी भाइयों का द्रौपदी के प्रति विशेष अनुराग था और ये जीवन पर्यंत द्रौपदी का साथ देते रहे। और जब स्वर्ग गए तो मात्र द्रौपदी को ही पांचों भाई अपने साथ ले गए। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं द्रौपदी के सुंदर शरीर के पांच रहस्य के बारे में। पहला रहस्य फ्रेंड्स, कहते हैं द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी जन्म से ही अति सुंदर और रूपमती थी। सुंदर होने के साथ ही द्रौपदी वैचारिक रूप से भी काफी ज्यादा सक्षम थी। दूसरा फ्रेंड्स, द्रौपदी का मूल नाम यज्ञसेनी और दूसरा नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए पड़ा फ्रेंड्स क्योंकि वह सांबली थी। तीसरा रहस्य है, द्रौपदी के शरीर से निरंतर एक मादक सुगंध निकलती रहती थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर से भी एक मादक सुगंध निकलते रहती थी। उसी प्रकार द्रौपदी के शरीर से जुड़ा हुआ चौथा रहस्य फ्रेंड्स कि द्रौपदी की मांसपेशियां मृदु थी, परंतु क्रोध या युद्ध के समय वह कठोर और विस्तृत हो जाती थी। उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। और द्रौपदी के शरीर से जुड़ी पांचवा रहस्य फ्रेंड्स कि कहते हैं द्रौपदी में ही वह कला थी कि वह पुनः कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। जब वह एक पति से दूसरे पति के साथ जाती थी तो वह ऐसा करती थी। संभवतः इसलिए द्रौपदी को पंच कन्या में स्थान मिला है। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी के शरीर से जुड़ा हुआ पांच रहस्यपूर्ण बातें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।